असलम जी, आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ा वैरायटी मटन। में इसका नाम है ढाबा मटन। तो इसके लिए जो आप सबसे पहला काम करना है, हमने इसकी जो एक स्पेशल मसाला बनता है उसके लिए आपको चीज़ें दिखा देती हूँ। तो आपको चाहिए एक जग ब्लेंडर का, उसमें आप डालेंगे मूंगफली रोस्टेड, 3 टेबल स्पून है मेरे पास, बादाम डाल लें, काजू डाल लें, 8 से 10 डाल दें, हरी मिर्चें इसमें आप डालेंगे 4 अदद, टमाटर इसमें जाएंगे 3 बड़े साइज के, बीच में जाएगी दही 1 कप जितनी। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। 2 टेबलस्पून जितना पुदीना मैं क्योंकि फ्रीज कर लेती हूँ तो वो हिसाब कुछ यूँ चुटकी में आ जाता है, और अगर आप फ्रेश इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 से 12 पत्ते इसमें डाल दें। हरा धनिया भी इसमें इसी तरीके से जाएगा, तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना। इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें इनटू स्मूथ पेस्ट, और उसके बाद नेक्स्ट आपको स्टेप दिखाते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो कुछ यूँ होगा कि आप इसको तेल में बनाना चाहते हैं, घी में, मक्खन में, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं इसको तेल में बनाऊंगी। तो यहाँ पर मेरे पास आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा तेल है, इसमें आप डालेंगे काली मिर्चें 1 टीस्पून, लौंग इसमें आप डालेंगे तकरीबन 10-15 होंगी, एक दालचीनी का टुकड़ा, 3 काली इलायची जो होती मोटी वाली वो चली गई। तेल गरम है तो इसी में अपना जो है ये अपना जायका यहाँ पर छोड़ देंगे ड्राई स्पाइसेस। इसमें आप ऐड करेंगे ग्राइंड किया हुआ प्याज, ज़्यादा मसाला चाहते हैं ज़्यादा प्याज आप ग्राइंड कर लें, 4 बड़े कर लें ठीक है, और अगर दरमियाना तो फिर 2 बड़े कर लें। तो मेरे पास यहाँ पर जो है 3 बड़े साइज के प्याज हैं जिन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया था इनटू अ पेस्ट। प्याज को यहाँ पर इतना फ्राई करेंगे कि जितना जो इसका कलर थोड़ा बादामी सा हो जाए ठीक है। चमचा इसमें चलाते हैं ना क्योंकि ग्राइंड किया हुआ पेस्ट से नीचे लगने का इसका जो थोड़ा सा डर होता है और लगता भी है कभी कभी, तो इसीलिए आपको इसका ख्याल रखना है। तो इसको यहाँ पर कलर चेंज होने तक फ्राई करते हैं और फिर इसमें क्या लगता है आपको दिखाते। तो देखिए अब इसका कलर बादामी सा हो गया, अब इसमें आप ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 3 टेबलस्पून बिल्कुल भर कर जाएगा बीच में, इसे डालकर प्याज सब में 3 से 4 मिनट की मजीद और फ्राई करते हैं और फिर नेक्स्ट। अच्छे से फ्राई कर लिया, अब इसमें आप ऐड करेंगे गोश्त। मैं मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर, 1 किलो है मेरे पास ठीक है। ये डालकर इसको अच्छी तरह इसमें आपने फ्राई करना है कि गोश्त का कलर आप देखेंगे पिंक से वाइट की तरफ आता है, तो फ्लेम हाई पर रखें और इसे अच्छे से फ्राई करें पहले। तो देख लें गोश्त कलर यहाँ पर चेंज हो गया ठीक है, और इसमें हम डालेंगे जो कि मसाले हैं। सबसे पहले जाएगा इसमें गरम मसाला पाउडर, ये मेरा होममेड है, 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून है, कम या ज़्यादा आप अपने जायके के मुताबिक खुद कर सकते हैं, आपको हर वीडियो में याद दिला देती हूँ मैं। उसके बाद बीच में जाता है कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 2 टीस्पून है, धनिया पाउडर 1.5 टेबलस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, किसी भी काली मिर्चें 1 टीस्पून है, और हल्दी इसमें जाएगी 1 टीस्पून लेवल। तमाम चीज़ों को मसालों को डालकर गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स करें, और इस मसाले के साथ अब आपने जो है गोश्त को तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए यहाँ पर भूनना है, और उसके बाद आपको दिखाते हैं इसमें आप क्या डालेंगे। देखने 7-8 मिनट के लिए अच्छे से भुना, क्या देखेंगे कि तेल जो हमने बीच में डाला है वो सरफेस पर आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर आपने वो पेस्ट जो हमने बनाई थी ग्राइंड कर वो आप इसमें ऐड करेंगे तमाम को, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे पानी, वही जिसमें मैंने इसे ग्राइंड किया था, कोई चीज़ ज़ाया ना करते हुए। तकरीबन 1.5 गिलास इतना पानी है मेरे पास यहाँ पर। मटन है, टाइम लगता है इसे गलने में, अगर प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो आप पानी की मकदार कम कर देते हैं क्योंकि उसमें प्रेशर में जल्दी कुक हो जाता है, और फिर ये होता है कि बाद में पानी खुश करने में आपको टाइम लगता है। तो मैं क्योंकि इसको सादी हांडी में यहाँ पर बना रही हूँ तो मैंने 1.5 गिलास भर कर डाला, और अगर आपको लगता है कि पानी
कम है और गोश्त नहीं गला तो आप पानी और डाल सकते हैं। इस स्टेज पर नमक और मिर्चें चेक कर लें, कम लगती है और डाल लें, ठीक है। तो इसे यहाँ पर अच्छे से कुक हो जाने दें, लो टू मीडियम फ्लेम पर रखेंगे, कवर करके कुक करेंगे और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसका एंड रिजल्ट। तो देख लें यहाँ पे अच्छे से गोश्त गल गया, तेल सरफेस पर आ रहा है। अब यहाँ पे आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी। तो सबसे पहले इसमें आप एक मुट्ठी भर हरा धनिया डाल दें, चंद हरी मिर्चें, सिर्फ गार्निशिंग के तौर पे खूबसूरत दिखती हैं। काट कर डालेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपका सालन में इसके स्पाइसेस चले जाते हैं, जो दाने होते हैं वो मिर्चों के स्पाइसी होते हैं। तो इसको साबुत डालें, अच्छे से भूनें 6-7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर और फिर इसको करते हैं डिश। इसी के साथ इसको बनाते हैं, सर्व कीजिएगा इसे गर्मा गर्म रोटियों के साथ, तंदूर की रोटी, नान, पराठा, जैसा आपका दिल चाहे सलाद बनाएं। अभी मौसम अभी पाकिस्तान मेरे ख्याल से गर्मी है, लस्सी वगैरह बनाकर इसको इन्जॉय कीजिए। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट whiskokwithfaiza.net पर, और उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो जरूर बनाइएगा, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।